अपलोड मत करियो भाई, मेरे बाइसेप्स किसने डाले थे? तो है तो वो तो असली लैंड कर चुके हैं जस्ट अभी। व्लॉग में व्लॉग। अरे अरे क्यों, वो ट्रक है क्या? तो रहा है, मैं भी उनका व्लॉग शूट कर रहा हूँ। All of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely waiting. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost. You're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. What is up YouTube? This is Deepak Yadav and welcome back to another vlog. और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ level 4 पे. Just kidding. मुंबई जा रहा हूँ. बस ऐसे ही अभी 7 बजे का है मेरा departure. तो मैं सोचा परंपरा को जारी रखते हुए थोड़ी सी चाय पी जाए. नीचे बहुत भीड़ थी तो एलिवेटर लेके ऊपर आ गया. बहुत देर से मैं वॉक ही कर रहा हूँ. घूमने में मुझे बड़ा मज़ा आता है एयरपोर्ट. अब मैं जाके थोड़ा सा बैठने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 हो रहे हैं भाई. 2 बजे का उठा हुआ हूँ. 2 बजे उठा मैं, 3 बजे मैंने कैब बुक करी, फिर मैं 4 बजे यहाँ पे पहुँचा. बहुत टाइम है. अब मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे कैसे स्पेंड करूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में तो कोई वेब सीरीज़ भी नहीं है. टाइम मिलता नहीं देखने का तो मैं डाउनलोड करता नहीं. और सडनली प्लान बना. अब क्यों बना, क्या बना, क्या है कंटेंट वीडियो का आगे वो तुमने थंबनेल में देख लिया होगा क्योंकि मेरे को श्योर नहीं है कि वो सब वैसा होने वाला है जैसा प्लान है कि नहीं. आ जा रहा हूँ चाय ढूंढने के लिए. बाकी मैं आपको व्लॉग में बताता रहूँगा आगे जो भी होगा जैसा भी होगा. आई विल सी यू एंड व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मतलब व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम जा रहे हैं बस की ओर. आ गया मेरा बैग. पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे, एयरपोर्ट पे. पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो न्यू ईयर का टाइम था और क्रिसमस ट्री लगा हुआ था. बहुत अच्छा लग रहा था. वो है नहीं अभी यहाँ पे. और अब हम पहुंच चुके हैं ताज सेंटा क्रूज मैक्सिस हॉल में. और यहाँ पे अभी शरदुल ठाकुर आने वाले हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए. और ऑलरेडी मैंने एक मिनी व्लॉग शूट कर लिया है जिसके लिए पहले से मुंह बना लिया स्माइल करते हुए ताकि अच्छी लगे वीडियो में. से हाय टू माय व्लॉग. दीप्ति दीप्ति को पहचान लिया होगा आपने, वो बाइसेप्स याद है.
और देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला है। वैसे तो थोड़ी देर का इवेंट है, इसके बाद आसपास जुहू बीच वगैरह जाने का सोच रहा हूँ। सोच ही रहा हूँ। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, मैंने लिया चाय और सब कुछ खाने के लिए ले रहे, और चाय पीने के बाद मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो शिवानी या मैं तेरी दीवानी। हितेश करेगा ऐश। अरे यार खुद ही बनाया। सो गाइस 5 मिनट में इवेंट स्टार्ट होने वाला है और हम पांचों विनर्स फिर से अरे बाप रे हम इन केस यू आर वंडरिंग विनर्स एंड टीम वी आर विनर्स। नेक्स्ट इज दीपक कुमार। ये अभी मजा आएगा। एक सेकेंड अपलोड मत करियो भाई, मेरे बाइसेप किसने डाले थे? तो है तो वो तो असली असली बाइसेप। अच्छा वो बना ही तो रहा है। तो गाइस we got our award for winning this contest. कॉपीराइट इश्यू। थोड़ा सा वेट लॉस कर दिया गाइस मैंने यहाँ पे और सब निकलने को तैयार है। वाओ व्हाट अ फ्रेम ब्रो। सबके बैग देखो, छोटे छोटे एक एक बैग, पर मेरा बैग देखो 1 2 3। I'll see you another time. Yeah, sure. Hopefully. Bye. Thank you so much. Bye, bro. And she's Hi, Shivani. Jaipur. Bye. She's a Josh creator and she's also a fashion model. अभी हमारा plan fix नहीं है, बताते हैं। So she'll be going Jaipur and ये तो जा रहे हैं Goa. सही जवाब। आपको मिलते हैं कितने रुपए? 7 करोड़। और अब हम जा रहे हैं जुहू बीच की तरफ। दीप्ति की तो फ्लाइट है। yes. वो भी कब? 4 बजे तो पहुंच रही है मुझे एयरपोर्ट। हाँ इतनी देर में क्या घूमने वाली है वो सोचो। बस देख के ऐसे छू के वापस आ जाऊंगी। बस मिट्टी में नाम लिख के फटाफट आ जाऊंगी। ये सारा बोझा ढोते हुए हम पहुंच चुके हैं जुहू बीच पे। दीप्ति वो ट्रक है क्या?
दोस्तों कल थी 20 तारीख जब मेरा इवेंट था मुंबई में। मेरा इवेंट नहीं था, हेल एनर्जी का इवेंट था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था और मैं विनर था एक कॉन्टेस्ट में। उसके बाद आज है 21 तारीख, सुबह के 7 बजे है। मैं हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन पे और मुंबई आया था तो बगल में गोवा है। मैं सोचा गोवा में भी आ ही जाते हैं क्योंकि 23 की रिटर्न फ्लाइट है। वैसे तो उसी दिन की थी, सेम डे। नहीं आ रहा है मेरा दोस्त लेने आ रहा है। तो 20 की रिटर्न फ्लाइट थी पर मैंने एक्सटेंड कर दिया, खुद के खर्चे भरने पड़ गए मेरे को। एक्सटेंड करने के भी बड़े अच्छे खासे पैसे लग गए। और कहाँ जा रहे हैं? मेरा दोस्त आ रहा है लेने, कुंडा जा रहा हूँ। तो 23 की मेरी रिटर्न फ्लाइट है और मैंने एक्सटेंड करवा लिया और अभी मैं जा रहा हूँ पोंडा अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने, रोशनी से। हाँ भाई, पूरा फॉग है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी थोड़ी दूर पहले ही हमारे थे, पूरा एकदम क्लीन था वेदर, एकदम क्लीन। और यहाँ जो गोवा टू मनाली इन 30 seconds। भाई जैसा कि आप देख सकते हो लाल है, पूरा ठेला लाल है। और अभी मैं मार्शल और मैं जा रहे हैं बागा बीच, मतलब कलंगूट बीच में हमने एक होटल बुक किया है, अभी वहीं पर जाएंगे। और बहुत लंबी राइड है, 40 किलोमीटर से ज़्यादा की है। कमरिया दर्द हो गया मेरा, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया, 10 किलोमीटर ही बचे हैं बस। इधर स्कूटी लगा दी साइड में, थोड़ा सा बस रेस्ट ले रहे, उसके बाद होटल पहुँचेंगे, रात में घूमेंगे, सुबह सुबह घूमेंगे, वीडियो शूट करेंगे और फिर सुबह सुबह वापस। बस इतना ही प्लान है, सिंपल फास्ट एंड ईजी एज आई ऑलवेज डू। बाकी अभी निकलते हैं, थक चुका हूँ काफ़ी, जा करके थोड़ा फ्रेश होके फिर सोचा जाएगा क्लब वगैरह में जाने का। बहुत कम ब्लॉग कर पा रहा हूँ आईनों पर, क्या करें, दो ही दिन का टाइम है ना, इतना पैक शेड्यूल है इसमें, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। पानी में गई।